हाय गाइस, समझा नहीं समझा मैंने क्या बोला? हाय गाइस, दिस साइड सीएसीएस हरीश मदारिया, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो यार, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान देना। सेकंड नंबर का टॉपिक का हमारा लास्ट का पोर्शन चल रहा था। आ जाओ आगे बढ़ते बेटा, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, चल आ जाओ। सो ये देख लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था। अच्छा, डबल इंटरेस्ट सिस्टम का स्टार्टिंग का सारा पोर्शन हमने कर लिया था। इसमें तो इंट्रोडक्शन टू डबल एंट्री सिस्टम ही है, और तो कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ें, बाप रे बाप, कितना सारा पढ़ा रहे बेटा हमने। रिवाइज कर रहे हो ना आप सब लोग घर पे? रिवीजन इज की टू सक्सेस। चलो, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताना है, आ जाओ स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मिस्टर कुमार कमेंस्ड अ बिजनेस विथ कैश ₹50,000। चलो बोल रहे बेटा क्या रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन इसका? एसेट इज इक्वल टू, सब लोग साथ में है क्या? नहीं मालूम? ओहो हो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आंसर लिख रहा हूँ, आंसर मिस्टर कुमार, पेपर में भी आपने ऐसा लिखना है। सब लोग प्लीज साथ में रहना। सो मिस्टर कुमार की बात चल रही है, मिस्टर कुमार ने बिजनेस कमेंस किया। पहले यहां पे लिख देता हूं मैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हे लियावल आगे ना रे बाड़ा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हेडिंग दे दिया ऊपर। ये आंसर लिख रहा हूं मिस्टर कुमार। चल आ जाओ, मिस्टर कुमार कमेंस अ बिजनेस, बोलो। अब देखो पेपर में आंसर कैसे लिखना है, अच्छे से ध्यान देना। बताया है क्या, ऑलरेडी पढ़ाया क्या मैंने? उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया, कैश ही असेट में आ जाएगी 50,000। और उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल आ गया क्या? लाइबिलिटीज में नो चेंज, ठीक है पक्का? टैली हो गया क्या, चेक कर लो। टैली हो गया क्या, चेक कर ले बेटा। आ आ आ आ आ 50,000 इज इक्वल टू 0 + 50,000। दूसरा, पेड सैलरी 1200, पेड सैलरी 1200, बोल रहे बेटा? हाँ, पेड सैलरी 1200 बोल की, अरे बाड़ा बोल की, हाँ क्या आएगा बताओ? 1200 का सैलरी पे किया तो 1200 से कैश कम हो जाएगी यानी असेट कम हो जाएगी, 1200 से कैश कम हो जाएगी यानी असेट कम हो जाएगी, बरोबर है? वेरी गुड। और सैलरी ये खर्चा है, खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल 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 कम। पचास हजार में से 1200 गए, 48,800, 0 + 50,000 माइनस 1200, 48,800 कुछ था इसमें। ये था दूसरा, किसी को ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा आपको। हाँ ऐसा,
मिस्टर कुमार कमेंस बिजनेस ऐसा लिखना पड़ेगा। दूसरा पेड सैलरी ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा क्या सर ये? यस क्लियर पक्का। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। सैलरी खर्चा है, एक तो सैलरी पे किया असेट कम और खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। चलो आगे पक्का। परचेस फर्नीचर 5,000, कुछ बोला नहीं है तो फर्नीचर कैश में लिया होगा। कैश चली गई 5,000 से, कैश चली गई 5,000 से, फर्नीचर आ गया असेट 5,000 से। इसके दोनों भी इम्पैक्ट असेट में आ गए, इसके दोनों भी इम्पैक्ट असेट में आ गए। कैश चली गई, कैश नाम की असेट चली गई, कैश नाम की असेट चली गई, फर्नीचर नाम की असेट आ गई। कैश नाम की असेट चली गई, फर्नीचर नाम की असेट आ गई, है ना? यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा फर्नीचर परचेस, ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। बोलो कितना आया? 48,800 इज इक्वल टू जीरो प्लस, इधर जीरो प्लस 48,800, सही है क्या? डन। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश, राजेश से माल खरीदा, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई 7,500, माल आ गया, माल ये भी तो असेट ही है, कैश गई माल आया, ऐसा लिखना पड़ेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, ऐसा आप लिखो ये कॉलम में, फिर ये कॉलम, ये कॉलम ऐसे बना लेना, यहाँ पे इसका हेडिंग दे देना ट्रांजैक्शन, बरोबर। इधर सारे ट्रांजैक्शन है, लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, कॉपी पेस्ट प्रश्न में दिया हुआ है, बाकी इधर नो चेंज नो चेंज नो चेंज। 48,800 माइनस 7,500 प्लस 7,500, अगेन तो ही आ गया अमाउंट। ऐसा ट्रांजेक्शन लिखना परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग रुपीज 13,000, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग रुपीज 13,000, श्याम को माल बेचा, शाम को माल बेचा, शाम को मंजे संध्याकाली नहीं मिस्टर शाम। अब यहाँ पे माल बेचा और पार्टी का नाम दिया हुआ है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब उधारी में बेचा। सोल्ड गुड्स टू शाम, डेटर बढ़ गए और माल कम हो गया, बाकी सब जगह नो चेंज नो चेंज। समझा क्या रे सभी को ये क्या चल रहा है? एंड पेड रेंट 500, लास्ट वाला पेड रेंट 500 से कैश कम और खर्चा है तो 500 से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम मतलब कैपिटल कम। ₹48,800 - ₹500 = ₹48,300। दैट्स इट, गेम ओवर। कुछ था रे इसमें? नहीं, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, सिंपल है पक्का। चलो आगे, लिखा बेटा सभी ने आंसर? कहीं कुछ तकलीफ है? फॉर्मेट समझ में आया आंसर का? लिखते आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। बाप रे बाप,
टेबुलर एनालिसिस ये हमने ऑलरेडी किया, ये होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क है टेबुलर एनालिसिस। नया तो कुछ दो, हाँ ये नया है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल रियल नॉमिनल। ऑक्ट्राय क्या है? नॉमिनल खर्चा है ना, ऑक्ट्राय लोकल टैक्स। अरे शहर के बाहर जो नाका होता है उस नाके पे जब गाड़ी आती है तो आते समय उसको ऑक्ट्राय ड्यूटी भरना पड़ता है ना। अरे कहीं कटता कि नहीं कटता रे, ऑक्ट्राय देना पड़ेगा ना। वाइल एंटरिंग द व्हीकल इन टू द सिटी है ना, एट सिटी बॉर्डर यू हैव टू पे द ऑक्ट्राय। यो मैं भाषे की बात कर रहा हूं, तुमको समझी क्या भाषा? ऑक्ट्राय नॉमिनल, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल, लोन पर्सनल, गुडविल असेट है, इंटेंजिबल असेट है, रियल फर्नीचर असेट है, अर्चना पर्सनल, कन्वेंस नॉमिनल, कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल, एनी प्रीपेड एक्सपेंस इज योर पर्सनल अकाउंट, एनी प्रीपेड एक्सपेंस इज योर पर्सनल अकाउंट, कमीशन नॉमिनल, कमीशन मिलो तो भी नॉमिनल, दिया तो भी नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल में एक्सपेंस इनकम दोनों भी आ जाता है, गुड्स स्टोलन लॉस हो गया नॉमिनल, बैंक अकाउंट पर्सनल। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर, ऑलरेडी हमने देख लिया एक्सपेंस लाइबिलिटी असेट, असेट असेट फर्नीचर फिक्चर असेट, प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, वैसे देखा जाए तो पर्सनल है लेकिन सामने वाला डेटर हो गया ना, डेटर मेरे लिए असेट है। कमीशन अब पेड है, एक्सपेंस लैंड असेट, लाइफ स्टॉक असेट, रेंट रिसीव्ड इनकम, पेटेंट असेट इंटेंजिबल। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हमने ट्रेडिशनल तरीके से क्लासीफाई किया क्वेश्चन नंबर वन में, इसके ऊपर का जो अभी सॉल्व किया, और इसमें सॉल्व किया बेटा मॉडर्न तरीके से असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। कुछ कुछ समझ में आई क्या बातें? कुछ कुछ अकाउंटिंग से दोस्ती हो रही क्या? पूरा बेसिक से लेके अभी तक जो भी पढ़ाया चीजें समझी क्या? सो अल्टीमेटली किस्सा शुरू होता है धंधा, धंधे में होते हैं ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्ड के पहले ये पिछले जो भी हम लोग काफ़ी दिनों से बेसिक पढ़ रहे हैं ये बेसिक समझना जरूरी है कि नहीं। एक बच्ची ने पूछा सर पेटेंट मतलब, जैसे मान ले मैंने कोई तो नई चीज़ बनाई उसके ऊपर मैंने मेरा पेटेंट राइट ले लिया, कोई ऐसी चीज़ जो आज तक किसी ने देखी नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया उसके ऊपर मैंने मेरा पेटेंट ले लिया। फर्स्ट टाइम कोई दवा बनाता है, कोरोना की दवा जिसने पहली बार बनाई उसने उस दवाई के ऊपर उसका पेटेंट ले लिया, यस और नो? समझा बेटा, पेटेंट असेट है, इंटेंजिबल असेट है। चल आ जाओ आगे। मिस्टर श्याम घोष, सबमिट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द सेम। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते क्या आप? हाँ बोलो, अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते क्या? अभी के अभी बना के बताओ, अभी के अभी, आता चा आता लगेज, चलो बना बेटा फटाफट से। जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है मुन्ना तूने भी बनाना है। सर हो गया यही था इस टॉपिक में, हाँ यही था और कछु नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर थ्री आपने ट्राई करना है, डोंट वरी मैं हेल्प करूंगा, चिंता मत करना। ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी आपने ट्राई करना है। फाइव नया जो है जो अभी तक आपने देखा नहीं पहले वो देख लेते हैं। सब अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन की है, टेबुलर एनालिसिस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ पहले ध्यान देते बेटा, बाद में बनाना, पहले इधर ध्यान दे दो।
पहले तो ध्यान दे दो, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? वन सेंटेंस क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में, वन सेंटेंस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? बोलो बेटा, रिकॉर्डिंग ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स इट। प्रत्येक ट्रांजेक्शन से दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कराए, डेबिट आनी क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन के आपको दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। यू हैव टू रिकॉर्ड द टू एस्पेक्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। दूसरा, वॉट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? बोलो बेटा, मेन प्रिंसिपल क्या है? एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट। हर डेबिट के लिए क्रेडिट है, हर क्रेडिट के लिए डेबिट है, मतलब डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल है। ये मेन बेसिक प्रिंसिपल है बेटा। उसके बाद, वॉट इज एन अकाउंट? अकाउंट इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। टी शेप फॉर्मेट में कोई एक अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख देना डेबिट क्रेडिट साइड में, उसे अकाउंट बोलते हैं। या आसान भाषा में, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग वन पर्सन, या तो कोई एक पर्सन, या तो कोई तो एक असेट, या तो कोई तो एक क्लास ऑफ गेन और लॉस। मतलब क्या, जैसे कार के अकाउंट में कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, सेल अकाउंट में सेल रिलेटेड, सैलरी अकाउंट में सैलरी रिलेटेड, है ना। इसलिए समराइज इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। क्लियर? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। हाँ, बैंक, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, AOP, BOI, सखाराम, तुकाराम, जॉर्ज, राम, रहीम, सलीम। बाप रे बाप। वॉट इज आर्टिफिशियल पर्सन? जो पैदा हुआ है अंडर लॉ, जैसे बैंक, कंपनी। अकाउंट विच रिकोगनाइज बाय लॉ, विच रिकोगनाइज बाय लॉ, लॉ का स्पेलिंग कलेक्ट कर लेना, LAW, लॉ, कानून के तहत पैदा हुआ है, हमारे आपकी तरह उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, बराबर है। रिकोगनाइज बाय लॉ इन द बिजनेस डीलिंग एज एन आर्टिफिशियल पर्सन आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन, एग्जाम्पल क्लब अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, बराबर है। वॉट इज रियल अकाउंट? रियल में वो सारी असेट आ जाती है जो पर्सनल में नहीं आई, बराबर है। रेफर्स टू एन अकाउंट ऑफ थिंग्स, आर्टिकल और कमोडिटीज इन द बिजनेस विच कैन बी सीन आर टेंजिबल इन नेचर। अगर कुछ बोला नहीं है तो इनटेंजिबल भी आती है क्या रियल में? यस आती है। गिव टू एग्जाम्पल रियल। बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट। नॉमिनल में, नॉमिनल का अकाउंट का मतलब क्या? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। मीन बाय डेबिट, किसी अकाउंट को डेबिट करना मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना लेफ्ट साइड में, किसी अकाउंट को क्रेडिट करना मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना राइट साइड में। कैसे सिंपल सिंपल आते रहे बेटा। स्टेट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन रेफर्स और विच सिग्निफाइज दैट असेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। असेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। असेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कुछ बात समझ में आई क्या? उसके बाद, स्टेट वेदर द ड्रॉइंग्स इंक्रीज और डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है। ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ लेके जाता है, ड्रॉइंग करता है, मान लो 10 रुपये विड्रॉल किए तो कैपिटल कम होगा, तो ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल, ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल कम होगा। स्टेट द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वॉट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर नॉमिनल अकाउंट? डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन। IFRS के बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं, बस ये IFRS ये इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। सर ये क्या होते हैं अच्छे से सुनना, IFRS क्या है? चलो सब लोग अच्छे से ध्यान दो मुन्ना, काम की चीज बता रहा हूं। आप सभी को मालूम है
आज के तारीख में मुन्ना ध्यान देना, IFRS के बारे में बता रहा हूँ बेटा। आज के तारीख में दुनिया छोटी होते जा रही है। सर पागल हो गए हो क्या? अरे धंधे के सेंस में बोल रहा हूँ यार। पहले इंसान एक गली में धंधा करता था, फिर पूरे एरिया में, फिर पूरे गांव में, फिर शहर तक पहुंच गया, फिर पूरे स्टेट में धंधा कर रहा है। बरोबर है। पहले मैं इतने से बच्चों को पढ़ाता था, फिर बड़ा क्लासरूम लिया, ज़्यादा एरिया के बच्चे आने लगे, ऑनलाइन क्लास चालू किया, पूरे महाराष्ट्र के बच्चे आने लगे, फिर अदर देन महाराष्ट्र भी मैं और धंधा बढ़ाना शुरू किया, भारत देश के बाहर चला गया, और एलोन मस्क साहब तो मार्स पे भी धंधा करने की सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले मैं भारत में धंधा करता था, अब मैं भारत के बाहर भी धंधा करूंगा। इधर ध्यान दे, अब भारत के बाहर भी धंधा करूंगा। भारत में धंधा करता था तो फिनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं कैसे मेंटेन करता था? भारत के जो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन है, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स रेगुलेशन, जिसको AS बोलते, लोकल AS, लोकल AS। लेकिन अब मैं अमेरिका सात समुंदर पार जाके धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरा माल बेच रहा हूँ, तो मुझे वहाँ के अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं? बोलो यस और नो। मैं भारत में धंधा करता हूँ तो भारत के रूल फॉलो करूँगा, अमेरिका में धंधा करूँगा तो वहाँ के रूल फॉलो करना है, चाइना में धंधा करूँगा तो वहाँ के रूल फॉलो करना है, ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ के, पाकिस्तान में तो वहाँ के, इधर उधर पागल हो जाऊंगा मैं सब जगह के रूल फॉलो करते करते। अब हर कंट्री के रूल फॉलो करूं कि धंधा करूं? इसीलिए इस झंझट से हमें बचाने के लिए कौन आया? IFRS। आपने अगर IFRS फॉलो कर लिया ना, तो आपको कोई भी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि IFRS ग्लोबली अप्लीकेबल है, ग्लोबली अप्लीकेबल है, ग्लोबल अकाउंटिंग रूल्स है, प्रिंसिपल्स है। इसी को प्यार से ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ग्लोबल AS। सर AS मतलब क्या रहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटेंट को गाइड करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्यार से AS बोल दूंगा, AS। ये अकाउंटेंट को गाइड करते हैं, गाइड, गाइडेंस टू अकाउंटेंट, किस चीज में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में। फाइनल अकाउंट क्या रहते हैं? आगे एक टॉपिक आएगा तब देखेंगे। अकाउंटिंग करने में अकाउंटेंट को हेल्प करते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो टाइप के हैं, एक है लोकल जो सिर्फ भारत के लिए अप्लीकेबल है, एक है ग्लोबल जो सारी दुनिया में अप्लीकेबल है। तो बताओ अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल। ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कौन? IFRS। आता कस वाटते रे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंट को गाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। आज तक लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता था क्योंकि मैं धंधा भारत में करता था, भारत के बाहर गया तो वहां वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर करके मेरे दिमाग का दही हो गया, इसीलिए IFRS आ गए बचाने के लिए। IFRS ने बोला इंडिया में कर रहे हो लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया के बाहर बाकी कहीं पे भी पूरी दुनिया में कर रहे हो, आपको ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया तो उस कंट्री के अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम भारत वालों ने नाम दिया, ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम भारत वालों ने नाम दिया IND-AS। ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम भारत वालों ने नाम दिया IND-AS। जो बाकी सारी दुनिया के लिए IFRS है, हम भारत वालों के लिए वो क्या है? IND-AS। हम भारत वालों के लिए वो क्या है? IND-AS। यस और नो? एनीबॉडी? IFRS का ही कॉपी पेस्ट वर्जन है, 2 से 3% का चेंज है। क्लियर? पक्की बात? डन 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 डन। यहाँ तक असकोड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे। पोका 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 पोका।
तेरा कुछ कुछ कहता नहीं लेंगा। देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी लेड टू मेनी चेंजेस। सच चेंजेस डिमांड दैट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम शुड मीट और बी वेल सुटेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जरूरत आन पड़ी कि इंडिया का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को मैच हो जाए। बट डिफरेंट कंट्री, हर कंट्री के अपने खुद खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। इस चक्कर में अब हम लोग किससे मैच करें? अमेरिका से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, किस यूके से, किससे मैच करें? क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग था, अलग अलग था, है ना। इसीलिए फॉर सच रीजन IFRS को अडॉप्ट किया हमने। और IFRS को कैसे अडॉप्ट किया? हमने अडॉप्ट किया इंड एस बोल के। आपको इतना डिटेल में नहीं है। IFRS इज अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एंड एनफोर्सिएबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भारत में क्या है? लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं AS। और ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? IFRS इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच आर ड्राफ्टेड इन अ सिंपल मैनर एंड आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। IFRS में क्या आता है? ये आते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी। सर, ये इंटरप्रिटेशन कमिटी क्या है? जब भी स्टैंडर्ड्स के अंदर में किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं पे डायलेमा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इंटरप्रिटेशन कमिटी उस चीज़ के लिए कमेंट इशू करती है। तो ये सब IFRS में तीनों भी क्या बोलते हैं, बॉडी आ जाती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS एंड SIC। अबव ऑल देर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। क्या है बेटा ये प्रोवाइड करते? एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए? भजे के लिए? नो, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बताते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। येस और नो? क्लियर? सो आसान भाषा में एक बार फिर से बता देता हूँ सबको, वापस ध्यान देना। क्या होता था पहले? मैं बड़ा नाराज था। पहले मैं सिर्फ इंडिया में धंधा करता था, तो मैं यहाँ के लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता था। अब मैं आउट ऑफ इंडिया भी धंधा करना शुरू कर दिया, तो अब मुझे IFRS, जो कि इंडिया वालों ने इसे इंड एस का नाम दिया, मुझे ये फॉलो करना है ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर, कौन कौन सी कंपनी के लिए इंड एस अप्लीकेबल है? इसके लिए स्पेसिफिक लिस्ट है ना। अगर वो क्राइटेरिया कोई कंपनी फुलफिल करती है तो उसे ही इंड एस अप्लीकेबल है। सबके लिए इंड एस यानी IFRS अप्लीकेबल नहीं है। वो आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं है बेटा, उतना डिटेल में छोड़ देना। नहीं तो और कोई बोलेगा, सर मेरे गली नुक्कड़ में किराना दुकान है, उसको भी इंड एस फॉलो करना है क्या? नहीं। इंड एस कौन कौन से कंपनीज के लिए अप्लीकेबल है उसका क्राइटेरिया है, जो आप आगे जब बड़े हो जाओगे ना तब पढ़ना। अभी आप छोटू छोटू हो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। IFRS ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैदा हुआ एक कीड़ा है। इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन्हीं को हम लोग प्यार से ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। हर कंट्री के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन थे। मुझे हर कंट्री में धंधा करना है तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता था। मैं बड़ा परेशान हो गया था, इसीलिए वहाँ पे IFRS आ गया। IFRS फॉलो आ गए, IFRS अगर फॉलो किया तो हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? पक्का? चलो आगे। हाँ, अब समझा IFRS क्या चीज है? आ जा रे मुन्ना, आ जा पिया। राइट वन वर्ड, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मुन्ना। अरे हाँ, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिगार्डेड एज मोस्ट एक्यूरेट, साइंटिफिक एंड कंप्लीट। डबल एंट्री सिस्टम, पर्सन हु हैज इवॉल्व्ड अ प्रेजेंट डबल एंट्री सिस्टम। किसने इवॉल्व किया है? ल्यूका डी बार्गो पियासियोली। बरोबर ना, पियासियोली साहब। अरे बोलो कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज महाजनी, मारवाड़ी और देशी नामा। बोलो बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? हाँ, ये इंडियन सिस्टम है।
बिजनेस असेट विच कैनॉट बी सीन और टच, इनटेंजिबल असेट. अकाउंट्स अदर देन इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल, अदर देन इम्पर्सनल. बोलो बेटा कौन से है ये, रियल एंड नॉमिनल. अच्छा अदर देन इम्पर्सनल बोला है, रे अदर देन इम्पर्सनल बोला है तो पर्सनल आ जाएगा ना. इम्पर्सनल के अलावा अकाउंट्स कौन कौन से है क्लासिफाई किया, तो पर्सनल और इम्पर्सनल. इम्पर्सनल में क्या आते हैं, रियल और नॉमिनल. इन्होंने बोला इम्पर्सनल के अलावा क्या है, तो पर्सनल है. अदर देन इम्पर्सनल तो क्या आया, पर्सनल. इम्पर्सनल के अलावा, इम्पर्सनल के अलावा पर्सनल. अकाउंट विच इंक्लूड्स अकाउंट्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम, रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्योंकि ये किसी न किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी न किसी को रिप्रेजेंट करते हैं. यस और नो, क्लियर है. अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, कैपिटल एंड ड्रॉइंग. अच्छा प्रॉपर्टीज पूछा है रे प्रोप्राइटर ने. अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एसेट्स और रियल बोल देंगे तो भी चलेगा, असेट्स और रियल बोला तो भी चलेगा. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड. नेम द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर यूज बिजनेस मनी फॉर डोमेस्टिक यूज. बोलो ओनर पर्सनल पर्पस के लिए पैसा यूज कर रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग. कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, वेरी गुड ड्रॉइंग, बिल्कुल सही जा रहे हो आप. ऐसा होना, प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट कैपिटल, प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट कैपिटल, बरोबर है क्या. अमाउंट पेड टू ओनर और ऑथर ऑफ बुक कॉपीराइट फॉर अ यूज ऑफ बुक, उसको बोलते हैं रॉयल्टी. मैंने अकाउंट की बुक लिखी, पब्लिकेशन वाला आया बोला साहब मैं आपकी बुक छापूंगा और उसकी कॉपी बना के बेचूंगा, उसके लिए मैं आपको बदले में रेम्यूनरेशन दूंगा, उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी. नेम द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द डॉग इज परचेज फॉर बिजनेस सिक्योरिटी, लाइव स्टॉक. डॉग ये लाइव स्टॉक है ना आपका, डॉग ये लाइव स्टॉक है. एंड नेम द अकाउंट विच इज डेबिटेड फॉर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी अकाउंट. सैलरी को पे करने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट. इंपोर्ट ड्यूटी को पे करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी. क्रेडिट क्या करेंगे इसमें, क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट. डेबिट इंपोर्ट ड्यूटी, क्रेडिट कैश, डेबिट इंपोर्ट ड्यूटी. कुछ थारे, चल यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछो. चल चलो बेटा, इंडियन सिस्टम इज मोस्ट डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बोलो ट्रेडिशनल एक्यूरेट साइंटिफिक कंप्लीट, ट्रेडिशनल. डैश सिस्टम इज नोन एज इनकम्प्लीट सिस्टम, सिंगल एंट्री, ये इनकम्प्लीट है. अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम डैश बुक इज मेंटेन, कैश बुक, सब्सिडायरी बुक, जर्नल, नन ऑफ दी अबव. बोलो बेटा कन्वेंशनल सिस्टम में हम लोग कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम में कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, एनीबॉडी कोई ट्राई करना चाहेगा. कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम में कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, बोलो. अरे बोलो, नहीं मालूम.
ठीक है, बी 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 जर्नल, नन ऑफ द कन्वेंशनल यानी पुराना ट्रेडिशनल, उसके अंदर में सिर्फ कैश बुक मेंटेन कर दे बेटा। कॉपीराइट अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल रियल, कॉपीराइट ही इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट असेट है, बेच सकते हैं कॉपीराइट को। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिल्कुल सही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अंडर डबल एंट्री सिस्टम वन इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। अंडर डबल एंट्री सिस्टम वन इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, अदर इज गिवर ऑफ द बेनिफिट, वेरी ट्रू। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज नॉट गारंटीड एंड डेफिनेट अंडर डबल एंट्री सिस्टम, फॉल्स। डबल एंट्री सिस्टम में तो एक्यूरेसी गारंटीड है, डबल एंट्री सिस्टम तो साइंटिफिक है, कंप्लीट है, उसमें तो गारंटी से आता है, उसमें तो गारंटी से आता है एक्यूरेसी। ये तो बोल रहा है नॉट गारंटीड, गधा, झूठ बोल रहा है, फॉल्स। एवरी ट्रांजेक्शन हैज ओनली वन इफेक्ट, फॉल्स। सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल, हाँ स्मॉल स्केल के लिए सुटेबल है, सिंगल एंट्री स्मॉल स्केल के लिए सुटेबल है। पांचवा, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ट्रू। द लॉ गिव्स रिकग्निशन टू द कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, फॉल्स। लॉ कभी भी कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करने नहीं बोलता है, वो बोलता है डबल एंट्री फॉलो करो क्योंकि वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, साइंटिफिक है। लॉ कन्वेंशनल फॉलो करने नहीं बोलता है, ये तो गधा बोल रहा है, कन्वेंशनल फॉलो करने बोलता है, मतलब फॉल्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है पर्सनल अकाउंट का, बिल्कुल सही है, ट्रू, बराबर है क्या? सेवन, ट्रू। एट, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोपराइटर आर रिकॉर्डेड, नो, रिकॉर्ड नहीं करते बिजनेस के बुक में, ये तो बोल रहा करते हैं, फॉल्स। एन ऑर्डर प्लेस फॉर द गुड्स एंट्री इज पास और रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सिर्फ ऑर्डर दिया है। एक कस्टमर मेरे दुकान में आया, साहब ये आपका फोन बहुत अच्छा है, मैं कल लेके जाऊंगा, हाँ पक्का। उसने ऑर्डर दे दिया मुझे, पैसा एक रुपया भी नहीं दिया, ना उसने मुझे पैसा दिया, ना मैंने उसको फोन दिया, ना उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको फोन दिया। उसने बोला साहब ये रखना, मैं कल लेके जाऊंगा, हाँ बोलो, इसकी अकाउंटिंग होती है क्या? नो, फॉल्स। सिर्फ ऑर्डर दिया है, पैसा आया है क्या? नो, सिर्फ ऑर्डर आया है, उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। पैसा आना चाहिए या मनी इज वर्थ में कुछ आना चाहिए, या तो मनी इज वर्थ में कुछ जाना चाहिए या तो पैसा जाना चाहिए। ना मैंने उसको माल दिया, माल दिया रहता तो अकाउंटिंग हो जाती, ना माल दिया ना पैसा आया, तो इसकी अकाउंटिंग नहीं होती, ये तो बोल रहे हैं करेंगे, फॉल्स। अकाउंटिंग सिस्टम सिग्निफाइज दैट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल, गलत बात कर रहा है। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल होता है, ये तो बोलता है लाइबिलिटी और कैपिटल इक्वल होते हैं, फॉल्स। प्रीपेड इंश्योरेंस इज नॉमिनल, नो, प्रीपेड इंश्योरेंस ये पर्सनल है, फॉल्स, ये पर्सनल अकाउंट है। लोन अकाउंट इज पर्सनल, ट्रू। ड्रॉइंग इज रियल, फॉल्स। ड्रॉइंग पर्सनल है, ड्रॉइंग पर्सनल है। कमीशन रिसीव्ड इज नॉमिनल, हाँ ट्रू। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज नो, फॉल्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट है। एंड बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल, नो, फॉल्स, ये पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सन। IFRS स्टैंड फॉर इंडियन फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, नो, आज ही देगा। IFRS इज इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? क्लियर? पक्का? डन? ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म, चैप्टर खलास, खत्म, खलास, फिनिश। अब ये मैंने कुछ होमवर्क दिया है टेबुलर का और अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये आप करोगे। 6-7 क्वेश्चन दिए, 5-5 मिनट का एक क्वेश्चन है, 5-5 मिनट का एक क्वेश्चन है, ये आप करोगे बेटा, ठीक है, जो भी मैंने होमवर्क दिया है पक्का। जो भी बच्चा लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख रहा है, इसी के साथ हमारा सेकेंड नंबर का टॉपिक खत्म होता है। मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए है, वो आपने ट्राई करना है, और अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है, और ट्राई करना है, डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है, डन। वैसे ये सारी चीज़ें आगे भी आने वाली है, जर्नल एंट्रीज है, लेजर पोस्टिंग है, बैलेंसिंग है। नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा जर्नल, तीसरा, क्लियर, पक्का, ऑल सेट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर।
बाय बाय। होमवर्क प्लीज करना बेटा, आपका नुकसान मत करना।